वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। भाई आज हम जाएंगे, हम यहाँ से मैच खेलने जाने पाकिस्तान पे, फिर वहाँ से डायरेक्ट शॉप जाना है। तो अभी हम निकलने वाले हैं, थोड़ी देर में अलियान भाई हमें लेने आने वाले हैं, तो भाई वहाँ निकलते हैं मैच के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं ग्राउंड पर। देखो रेडी शेडी हो गए हम, फिर इंशाल्लाह अब वो लड़का देखे कितनी देर में आता है यहीं। और ये किट में रख लो, फिर मैं किट पहन लेता हूँ तुम्हारी, ठीक है? एक मिनट भाई, मालूम भाई यहाँ से डायरेक्ट दुकान निकलना है, मैंने बोला शॉपर ही बना लूँ पूरा, ठीक है? तो सो रहे हैं और देखो कौन चलता है। बाद पे कितने पे रुकेंगे बता? क्या नहीं यार, देख लो तुम, मुझे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा होंगे मुझे लगता है। यार कुछ देख के लग रहा है, पता कितने बनना है स्कोर? 170 के अंदर रोकना, इंशाल्लाह 170 में रोकना पड़ेगा। ये बड़ा टाइट वाले हम पिट गए मैच में, अभी सारे पानी वानी पी रहे हैं, तो हम बड़े टाइट वाले पिट गए मैच। उनके जवाब में हम इतना ज़्यादा स्कोर बना नहीं पाए, हम 101 रन पे ऑल आउट हो गए। तो ये हमारे लिए बड़ा सैडनेस थी, सैड न्यूज़ थी कि हम कम बैक करना चाहिए था। हमारी असल में जो हारे हम वो अपनी फील्डिंग की वजह से हमारे, तो इंशाल्लाह अगले मैच पे ऐसी गलती नहीं होगी। तो बस देखें यहीं तक मैच फिर ख़त्म हो गया। फिर आ गए हम दुकान, और दुकान वगैरह हमने खोल ली थी और काफ़ी टाइम भी हो गया, अब तकरीबन 3:30-4 का वक्त है। अब इंशाल्लाह खाना खाते हैं, फिर इंशाल्लाह कारोबार पे तवज्जो देते हैं, काम पे तवज्जो देते हैं। मैच था, मैच चला गया, लेकिन आज मेरे को दिन भर अपने किसी इसमें गुजारना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट हम मैच खेल के आएँ। तो जा रहे हैं डायरेक्ट जावेद भाई के घर, और वहाँ पे हमारे जो बारबेक्यू पार्टी है, इंशाल्लाह दावत मिली है, इंशाल्लाह वहाँ पे जाके मिलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हमारे साथ सीन हो गया, हम लोगों ने माशाल्लाह से टिक्का प्रोग्राम बनाया था, तो मसाला वसाला लगा के हम लोगों ने बिल्कुल पतीले में तैयार रखा। सीके हमारे पास बिल्कुल रेडी है, सीके दिखाओ, ये सीके हमारी बिल्कुल रेडी हैं। तो हमारे साथ सीन ये हुआ, बिल्ली आई 3-4, हमारा पूरा तसला खा के चले गए, सिर्फ एक एक टिक्का छोड़ के गई, और हमारे पास आवाम देख लो। अब क्या करें, आप गाइस करो, आप लोग बताएं क्या करना है। अच्छा तो गाइस, हम लोगों ने टिक्के का गोश्त बाहर से अभी मंगवा लिया है, इंशाल्लाह 10-15 मिनट में हम उसके ऊपर मसाला वसाला लगा के हम लोग इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। ये देखें किचन में काम हो रहा है, सीखे धुलनी है हमारी बातेश, तो सही सही मेरे काम करते हुए ले रहा भाई। जो कोई क्रॉस दिखाओ, लगाना शुरू कर दिया ये टिश्यू पेपर से आग लगा रहे। ठीक है, जाए तो बाइक की पेट्रोल की कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको, है ना? हो जाएगी वो, पहले पता है कैसे खड़ा करो। एक मैंने जो काम करना था वो मेरा काम हो गया। ये बातेश मेरी ड्यूटी तूने ले ली, वही वही वाली कहानी है। वो जहाज जहाज चला रहा बोले ऐसे थोड़ी चलाते वापसी निकाल दी उसने पहले डाली वापसी निकाल दी हाँ। ये चिकन वाला है यार, मतलब ये उसको बुला लेना, वो बता देगा तेरे को। दो सीखे डालेंगी एक में, ऐसे ना डबल डबल फिरो दूँ। चुप हो जा यार, तू चुप हो जा, कर रहा हूँ ना कहने। वहाँ पे बैठ के मशवरे दे रहे हैं, वो जा रहा है ना नीचे भाई। ये अपनी जो उसको पसंद है ना वाली, अपने लिए कौन सा खाएगा ये बता।
चम्मच बताओ पैंट हाँ मसाला लगाते नहीं पड़ेगा तुम ऑयल है अबे सामने से क्या क्या बात है क्या व्लॉगिंग भर के लगा बहुत है उसमें अबे सबसे ज़्यादा मैंने सलमान गर्दन जी का ये भी रख दो ना हल्के के आके ये भी होती है बात हल्की की हवा लगा हल्की सी हवा लगा नाम ना आ जाता बस हाथ गंदा करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि उन्होंने ही बनाया हाथ इसमें हक अदा करा क्या खोल लो ये थोड़ा सा मसाला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ कोशिश ही करते रहोगे जी हाँ वसीम भाई कैसे हो मेरा नजला खुल गया दुकान के ताले लगाए अभी खा लो फिर पता नहीं मिले ना मिले मानो वाकई में उस बात को सीरियस ले गया ये बात इसके लिए बोल हाँ मैं उस बात को सीरियस ले गया कि उन्होंने बोला ना कि वो बिल्ली या खा गई और दो तीन बोटियाँ छोड़ी हूँ ऐसी सीरियस माहौल बन गया मतलब वाकई में इसने काफी दफा कंफर्म करने के लिए पूछा भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता मसाला लाया कि में रखी जाती ये भी बात आ रही ऐसी अगर कोई बात होती ना अबे आने देता ना उन्हें ये लो तुम दोनों रायता इसी में डाल दी हमने काला काला दिया चलो सर भैया आप उनमें दाल खाली जावे देर को अपने प्लेट में बता रहा इसलिए डाली क्योंकि जावेद भाई भी साथ है निकालना नहीं नहीं ओए क्या कर रहा है यार ये वसीम भाई कर क्या कर रहे हो यार मैं बहुत जोर से मारता हूँ जिसने बहुत हल्का मारा तुम सिराज भाई से मुकाबला कर लो फिर एक दफा सिराज बोल रहे हैं क्या नाम है सिराज भाई का मुकाबला नहीं है असल में पता है कि उनके साउंड भी सिस्टम बचा गया मुकाबला तो कौन है क्या दहशत बना दी हमने पूरा पीस दो ना इसको भी इसका भी तो पूरा पीस का आके ये हड्डी नहीं खाती बेटा कुत्ता नहीं है बिल्ली है अबे खा लेती है बात ही क्या तुमने आइए मैं डर दहशत बना दी कितना साफ सुथरा दस्तरखान लगा हुआ था इस बेचारी के का एक बच्चा इसने दिया हमारे नीचे वाले जो फ्लोर है ना हाँ वहाँ बेड के नीचे दिया फिर आगे पीछे इसने एक आध दफ़ा कर लिया फिर इसके बच्चे को हमने संभाल लिया अच्छा खासा बड़ा कर दिया अपने फ्लोर पर रख के ना दूध दूध पिलाने लग गए ये सब चीज़ें मैं छोड़ दूँगा
ठीक है भाई फिर इंशाल्लाह बनाएंगे। ठीक है वसीम भाई, अगर कुछ ही बात का बुरा लगा हो तो दिल पे नहीं लेना, पेपरों और गुर्दों में ले लेना। ठीक है भाई, ये ब्लॉग प्लान करते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे, यहीं पे ब्लॉग प्लान करते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह।